हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अमेजिंग ऑलराउंडर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स। एंड द क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव डैट ए ओ बी इज अ लाइन। क्वेश्चन में दिया है कि एक्स एंगल एक्स प्लस वाई इक्वल है एंगल डब्लू प्लस जेड के, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक लाइन है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ आप लोग एरो देखते होंगे, यहाँ लाइन के पास यहाँ एरो है, तो ये एक इसे एक रे कंसिडर किया जाता है, यानी कि इस डायरेक्शन में ये कहीं भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पर एक कट मार्क दिया जाता है ताकि एक लाइन जो है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो एक पर्टिकुलर लेंथ की होती है, इसलिए एक कट मार्क दे दिया जाता है। ए बी स्ट्रेट लाइन एक पर्टिकुलर लेंथ की होती है, एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड, एक लाइन का ये टुकड़ा है, यानी ये लाइन तो कहीं भी आगे जा सकती है ना, तो इसका एक पर्टिकुलर लेंथ कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसे एक कट मार्क दे दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन में आते हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि इस पॉइंट ओ के चारों तरफ जो एंगल है, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल डब्लू, एंगल जेड, तो इसे हम कह सकते हैं कि किसी पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बनते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो हम पहले लिखेंगे गिवेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। नाउ आप क्या लिख सकते हैं, सारा एंगल लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन चारों एंगल का सम क्या हो सकता है, सम 360 डिग्री होगा, इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा, इसे क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। नाउ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू गिवन है डब्ल्यू प्लस जेड के, तो डब्ल्यू प्लस जेड के जगह हम एक्स प्लस वाई पुट कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई को एज इट इज उतार देंगे, प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई लिख देंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। ठीक है, देन एक्स एंड एक्स, एक्स एक्स 2x हो जाएगा सम होकर के, एंड वाई और वाई सम होकर के 2y हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, 360 डिग्री। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 2 दोनों में 2 है तो 2 दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स और वाई ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री। देन क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री बाय 2, ये कट हो जाएगा 180 डिग्री से, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ हम एक्स प्लस वाई देख रहे हैं कि 180 डिग्री आ गया, एक्स प्लस वाई का सम 180 डिग्री। तो ऐसा कब होता था, जब भी किसी स्ट्रेट लाइन पे हम लीनियर पेयर अप्लाई करते थे तो उनका सम 180 डिग्री आता था, तो हम लीनियर पेयर अप्लाई करते थे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, एंगल लिख देंगे, एंगल एक्स एंड वाई मेक्स ए लीनियर पेयर, हेंस ए ओ बी इज अ लाइन, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस तरह हम ये प्रूफ कर सकते हैं।
तो गाइज ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। तो इस ये क्वेश्चन आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्लीज़ इस वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वॉचिंग में।